नमस्कार दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मशीन ड्राइंग की क्लास में। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि स्पर गियर को अप्रोक्सीमेट मेथड से किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको, वो है प्रोफेसर अरविंद मेथड। मैंने आपको बताया था कि अप्रोक्सीमेट मेथड में प्रेशर एंगल की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि प्रोफेसर अरविंद मेथड में प्रेशर एंगल की जरूरत पड़ती है। गिवन डाटा सेम है, जो पिछला क्वेश्चन था वही सेम, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था क्वेश्चन वही है, लेकिन इसमें ऐड प्रेशर एंगल 20 डिग्री। बाकी कैलकुलेशन से आपने सर्कुलर पिच निकाल दी है 16 mm, 16 mm, थिकनेस ऑफ टूथ 8 mm, जो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने कैलकुलेट करके वो निकाला था। तो अब हम एडेंडम सर्कल भी कैलकुलेट करके निकाल चुके हैं, एडेंडम सर्कल भी आप निकाल चुके हैं। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे प्रोफेसर अरविंद मेथड से। प्रोफेसर अरविंद मेथड से ड्रॉ करने के लिए सिर्फ इतना अंतर है कि आप जो है जो बेस सर्किल है उसको ड्रॉ करने का तरीका अलग है प्रोफेसर अरविंद मेथड में, जबकि अप्रोक्सीमेट मेथड में बेस सर्किल को ड्रॉ करने का तरीका बहुत अलग था। तो ड्रॉइंग बनाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और आपके लिए इसी तरह से नए नए वीडियो में लाता रहूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम एक वर्टिकल सेंटर लाइन भी ड्रॉ करेंगे। दो या तीन टीथ का प्रोफाइल आप बना सकते हैं, जो एग्जाम में जितने आएगा, दो या तीन चार पांच से ज्यादा नहीं आता है, केवल हमको टीथ प्रोफाइल बनाना है। और वो प्रोफाइल कैसा होता है? इनवॉल्यूट प्रोफाइल होता है। तो चलिए अब हम सबसे पहले इस डायमीटर को ड्रॉ करेंगे। एडेंडम डायमीटर, जो सबसे बड़ा डायमीटर होता है गियर का, स्पर गियर का, वो होता है एडेंडम डायमीटर। एडेंडम डायमीटर कितना है? 110 mm। 110 mm का हाफ कितना होता है? 55 mm। 55 mm का रेडियस लेंगे और रेडियस लेने के बाद ठीक है, ये छोटा दिख रहा है आपको, लेकिन जब आप बनाएंगे
तो उस समय आपको जो है ये पूरा डिस्टेंस मिल जाएगा। तो जब ये बिल्कुल इसी जो ये एंगल है इसी एंगल पर ड्रॉपर यहाँ आएगा और यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे बिल्कुल सीधे इसी एंगल पे, और ये लाइन जो है सीधे मिलके इस तरह, ठीक है। और ये जो एंगल होगा यहां पर, ये एंगल कितना डिग्री होगा? 20 डिग्री। ये भी एंगल आप मेजर करोगे, ये एंगल भी कितना होगा? 20 डिग्री। तो आप 20 डिग्री पे लाइन खींचने किस पॉइंट को आप टच करोगे, किस पॉइंट को टच करके आप 20 डिग्री के एंगल खींचोगे? जो पिच सेक्टर डायमीटर की लाइन है वो वर्टिकल सेक्टर है, उस पर आपने ये लाइन खींची और यहां से इस पर एक आपने परपेंडिकुलर आपने देना है, यहां से सेंटर से परपेंडिकुलर 90 डिग्री इससे मैच करना आपको। अब ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पर अब जो ये वाला पॉइंट आपका है, इस वाले पॉइंट यहां से यहां तक ये रेडियस आपका चलाएगा रेडियस ऑफ बेस सर्कल। अब आपने यहां से ये वाला पॉइंट लेके एक सर्किल ड्रॉ कर देना है, जो सर्किल आपका चलाएगा बेस। अब आपका बेस सर्किल आ गया। तो प्रोफेसर अंगुल मेथड में केवल बेस सर्किल को ड्रॉ करने का तरीका अलग है, बाकी जो पॉइंट है वो सेम ले लें। अब क्या करेंगे हम, पिछले वीडियो की तरह हम जो है पिच सर्किल डायमीटर पे दांतों की मोटाई कितनी है? 8 mm, थिकनेस ऑफ टीथ 8 mm। 8 mm को आप इधर या उधर भी किसी तरह भी कर सकते हैं। 8 mm को आपका क्या करेंगे, पार्ट में डिवाइड कर देंगे, हम पार्ट से सेट करेंगे 8 mm की डिस्टेंस। तो यहां से 8 mm, यहां से 8 mm, फिर 8 mm, फिर 8 mm, फिर 8 mm, यहां से 8 mm, फिर सर्किल डायमीटर 8 mm, 8 mm, 8 mm, इधर भी आप कर लीजिए 8 mm, यहां से 8 mm और 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 इस तरह से आप इसको डिवाइड करेंगे। अब आपने दो या तीन दांतों के प्रोफाइल बनाने हैं, जितना भी आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो अब आपने कौन सी डिस्टेंस देनी है कंपास में? सर्कुलर पिच वाली डिस्टेंस। सर्कुलर पिच की डिस्टेंस कितनी है? 16 mm। तो 16 mm की डिस्टेंस के पॉइंट आप इस पर काटेंगे बेस सर्किल पे। अब जैसे मैं इसको मान लू, यहां पर छोड़ के मैं यहां मानू, तो 16 mm का डिस्टेंस दीजिए और यहां से यहां कट मारिए बेस सर्किल पे, और यहां से इस बेस सर्किल पे। अब ये तो आपने पॉइंट लेंगे और उल्टा करेंगे, यहां पर पिन करेंगे और यहां पर पेंसिल रखेंगे कंपास की, और इस पे आप क्या कर देंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब इधर से इधर ड्रॉ करेंगे, ठीक, एक दांत का प्रोफाइल आपको बन गया। दूसरे में फिर आप ऐसे ही करेंगे, यहां से यहां पॉइंट लेंगे 16 mm का, यहां से यहां पॉइंट लेंगे। जब दोनों पॉइंट आ जाएंगे तो इधर का पॉइंट इधर से आप आर्क देंगे और बेस सर्किल पर रख के इधर से इधर पॉइंट, फिर यहां पर आ जाएंगे गैप छोड़ देंगे, फिर यहां से ये वाला पॉइंट 16, यहां से 16, अब कंपास को फिर यहां रखें और आराम से आप एक आर बहुत सावधानी से, और जो डार्क लाइन होगी वो केवल ये होगी जो दांतों के प्रोफाइल है, बाकी सारी लाइन क्या होंगी, लाइट लाइन होंगी जो आप 2S3S पेंसिल से करेंगे, ये H पेंसिल से वर्क करेंगे। तो मैंने तीन दांतों के प्रोफाइल बना दिए। अब आप इसके ऊपर को भी क्या कर दीजिए, यहां से रख के इसको डार्क कर दीजिए, इसको डार्क कर दीजिए, इसको डार्क कर दीजिए, इसको आप बना के प्रैक्टिस करिए, बहुत आसानी से आपको ये समझ में आएगा। अगर मैं इसको, ये तो 2D हो गया, अगर इसको 3D में कन्वर्ट करता हूँ तो 3D में कन्वर्ट कैसा होगा? वैसे आप देखिए ड्राइंग में करना नहीं है, केवल आपने 2D प्रोफाइल बनाना है, जो समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 3D या आपका क्या हो गया, टॉप लाइन हो गया यहाँ पे, फिर आप इधर चले गए, फिर आपका ये टॉप लाइन फेस PCB से ऊपर सारा यहाँ तक फेस, उसके बाद लाइन, उसके बाद ये हो गया फ्लैग, ये आपका बन गया प्रोफाइल, इनवॉल्यूट प्रोफाइल ऑफ स्पर्गियर बाय प्रोफेसर कैनन मेथड। तो प्रोफेसर कैनन मेथड में केवल हम प्रेशर एंगल का यूज करते हैं, वो प्रेशर एंगल से हम क्या करते हैं, बेस सर्किल को ड्रॉ करते हैं। तो होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छा सीखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, सीट बनाते रहिए, जरूर आपके आप एक दिन जो है मशीन ड्राइंग में एक अच्छे एक्सपर्ट बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद।